नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा माहेश्वरी आपकी दोस्त हूँ। स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में जिसमें मैं पहुँच गई हूँ। पहले तो नज़ारे देखो, इतने खूबसूरत नज़ारे, चारों ओर पानी है, ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं। आपको लगेगा कि आप लेह लद्दाख जैसे डेस्टिनेशन पे आ गए, लेकिन ये है अपना राजस्थान। मेवाड़ जो है राजस्थान का, उस एरिया में मैं हूँ। और आज यहाँ के जनजीवन को देखेंगे, किस प्रकार से लोग यहाँ रहते हैं, कैसे इनका रहन सहन है। और पूरी सीरीज चल रही है, पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। उसमें भी बहुत एक छोटे से गांव में मैं गई थी उदयपुर के पास के, और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। आज की वीडियो में भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और चैनल पर न्यू आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दूर दूर तक आपको दिखाई देंगे वहाँ पे पहाड़, अरावली पर्वतमाला की पूरी ये श्रृंखला है, और इसके बीच में ये पानी बिल्कुल नीले रंग का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और इन नज़ारों के बीच में रहती है आदिवासी जनजातियाँ, भील आदिवासियों का ये इलाका है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो उस तरफ हम जाएंगे, उस तरफ, और वहाँ दूर पहाड़ों पे कुछ कुछ छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे। आप देखोगे तो अगर यहाँ की औरतें इसी प्रकार से खुले में ही यहाँ पे नहाती हैं, और हम उधर चलते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको टूरिस्ट भी दिखेंगे कुछ कुछ, जिनको ऑफ बीट पता होता है, कुछ हिडन प्लेसेस पता होते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पे। ये जीप को उस तरफ लेके गए, इधर आए हैं, और नज़ारे देखो भाई, शानदार, ज़बरदस्त है। मतलब आपको बिल्कुल पिकनिक जैसा आनंद आएगा। अपना टेंट वेंट लेके आ जाओ शाम के टाइम पे, मस्त यहीं पे बनाओ, यहीं पे खाओ, मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे ही घूमते फिरते मुझे ये लोकेशन मिली है, जो उदयपुर से लगभग आप ही समझ लीजिए सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड लुक एट द व्यू, बहुत ही अमेजिंग वाइब्स आपको यहाँ पे आएगी। हालांकि अभी थोड़ी सी धूप है, लेकिन अगर आप इवनिंग टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे वाइब्स आएंगे। पीछे मेरे कुछ लोग बैठे हैं जो बिल्कुल बस ऐसे ही चिल कर रहे हैं, एक रॉक पे बैठ गए हैं, सामने व्यूज़ है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कपल है तो यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पॉट है। और अगर आप फैमिली के साथ पिकनिक मनाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आके कुछ खाना पीना और गाने वाने बजाना, मस्त पार्टी शार्टी करना, तो वो भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पे फैला ना दे। यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हैं फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ एक कपल आए हुए हैं, मस्त खाना वाना खा रहे हैं, गाने चल रहे हैं, वाइब्स बहुत अमेजिंग है। और हवा बिल्कुल ठंडी चल रही है क्योंकि डैम के पास है, हवा अच्छी चल रही होती है। और चारों तरफ है अरावली पर्वत की श्रृंखलाएँ, जो बहुत अमेजिंग व्यू दे रही है, बहुत ही सूदिंग वाइब्स है। तो ऐसे ही आप जब घूमते रहते हैं, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो कुछ ऑफ बीट लोकेशंस भी ऐसे ही मिल जाती है। ऐसे ही रास्ते में चलते हुए किसी ने बोला कि इधर चले जाओ, यहाँ पे डैम है, और जब यहाँ पहुँची तो पता चला यार ये तो मतलब लाइक नेचुरल ब्यूटी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया में मैं आ गई हूँ। और बस पहुँच गए, और अब यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और लोगों से मिलेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको इन लोगों का जीवन दिखाऊंगी, देखो ये कपड़े बिल्कुल ऐसे बाहर ही सुखा देते हैं, नीचे आंगन पे ही इनके कपड़े सुखा दिए जाते हैं। अगर बात की जाए घर के आंगन की, तो बिल्कुल मिट्टी से लीपे हुए सारे कच्चे कच्चे घरों के आंगन मिलेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे दूर आपको दिख रहा होगा एक मिट्टी का घर है, और पूरा गाँव के लोग जो हैं, यहाँ पे कोई भी आता है ना भाई, तो ये लोग देखने लग जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई नहीं आता बातचीत करने को, ये अपना बस चलते रहते हैं। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो उदयपुर से ही निकल जाते हैं, यहाँ तो कोई आता नहीं है। तो ये लोगों के पास जब कोई बात करने को आता है तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। अभी से इन्होंने देखना चालू कर दिया। अभी हम पास में चलते हैं, इधर ये एक घर है, उधर ये दूसरा घर है, ऊपर है अरावली पर्वत की श्रृंखलाएँ, और इनके घरों में देखते हैं ये किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। कुछ इस तरह के रास्तों से, जो थोड़े जंगली रास्ते हैं उनसे जाएंगे। तो ये सोचो कि जब रास्ते ऐसे हैं तो वहाँ तक रोड की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, उनको कुछ भी चीज़ लानी है, कुछ भी करना है, तो थोड़ा चल के आना पड़ता है दूर तक, और फिर उसके बाद में ही उनको चीज़ें मिल पाती है। देखो यार यहाँ पे ये फली, इसको ना जंगली फली बोला जाता है, जंगली फलियाँ उगी हुई है। ये कांटे का पेड़ है, हम बचपन में ना इसको कांटे का पेड़ बोलते थे, इसमें चुभता है ये वाला कांटा। और ये देखो भाई, ये जो आपको, ये जो बाड़ जिसे बोलते हैं ना, जिसको घर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, ये सारे पत्थर जो हैं, ये पत्थर पूरे ये पहाड़ों के जो काट काट के ये घर बनाते हैं, उसी टाइम पे ये लोग इन पत्थरों को इस तरह से बिछा देते हैं ताकि वो पत्थर यूज़ भी हो जाते हैं। भाई इनके पास में कुछ संसाधन तो होते नहीं है, जो नेचर ने इनको दिया है उसी से इनको अपना जीवन यापन करना है। तो जो भी मिलता है उसी को रीयूज़ करके, बार बार यूज़ करके, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। सामने आंटी जी बैठे हुए हैं, चलते हैं उनके पास में। अच्छा सब बड़ा थके घर है, मतलब
हाँ ये अपने ही है, वो ही अपने, ये अपने उपमी अपने। अच्छा वो पेड़ की को है, बेर है की, बेर लागे रहा है की, बोर है, कच्चा है हाल तो ना, कद पाके ये उंडाले में पकता है, उंडाले में गर्मी में पकता है। अच्छा तो ये घर है केलुआ की छत, छत केलुआ की है, लीपा लीपरी हो घर ने। सब जना इठे दिवाली के बाद ही लीपा की घर। अच्छा पूरो घर लीपो, अंदर हूँ बाहर हूँ। कितना बरस का हो गया था? देख ले कोई जाना पता हो नहीं वैसे क्या पता, बहू था कि भैया मम्मी घर में ही रहो सब जना। अच्छा बठीने रहो, ये पुरानी है वो बारमानी। अच्छा वो पुरानो घर है बठीने, नए हो भी बन गए। पानी कठूं आवे पानी कूड़ा पे पियो। अच्छा है कुआ पर, कुआ में पानी निकले। अच्छा अस्पताल है आसपास में? अस्पताल है, है? और कई करो काकी जी दिन भर कई करो मजदूरी करो तो उदयपुर में जाओ, उदयपुर में जाओ मजदूरी करवाना। अच्छा कई काम करो, कारखाना में था, कारखाना तगारी तक पड़े। एक दिन का कितना रुपया देवे? 400 500 400 रुपया देवे। सब जना मजदूरी करो? सब जना नहीं करो। अच्छा एक जनो करे दीजा करे, एक जनो दूसरो घर रेवे। खेतीबाड़ी भी करो? खेतीबाड़ी करो नहीं हो भाई आगे बोया। स्कूल जावो? स्कूल जावे यो? हाँ हाल छोटो है नहीं जाए मेल वाया बार बराबर हम तो नहीं जाने। तो अभी मैं हूँ एक बिल्कुल छोटे से कच्चे से घर के बाहर, मतलब शहरों में जहाँ हम इको टूरिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, गांवों में आके जो स्पेशली आदिवासी इलाके हैं उनमें आके आपको इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल मिलता है। मतलब आज भी यहाँ पे लोग मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, कितना छोटा सा क्यूट सा घर है। मतलब इसमें ना तो आपको गर्मी लगती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्योंकि मिट्टी ठंडी रहती है और इसको पानी से वापस जब कर दिया जाता है तो इसकी जब सौंधी सौंधी स्मेल आपके मतलब नाक में जाती है ना तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। और बिल्कुल सिंपल चूल्हे पे यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं इसलिए हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। मतलब जो रियल लाइफ है, जो रियल कल्चर है, जो इंडिया का हमारा ऑथेंटिक कल्चर है वो आपको ऐसी ही प्लेसेस पे आने के बाद मिलता है। शहरों में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। अभी घर को अंदर से देखते हैं किस तरह से लोग बना रहे हैं। और सबसे स्पेशली क्योंकि मैं दिवाली की जस्ट बाद आई हूँ ना तो यहाँ पे सब जगह लीपा पोती चल रही है। मतलब कि गोबर और मिट्टी को मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद में पूरे घर को लीपा जाता है। मतलब सोचो अपने हाथ से पूरे घर को लीपा जाता है, इसीलिए इनका जो एफर्ट्स होता है घर बनाने में वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है। हम जब घर मतलब खरीद देते हैं बेच देते हैं, यहाँ के लोग उतना ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है जब आप अपने पूरे घर को अपने हाथों से लीप के बनाते हो। तो ये देखो घर के बाहर यहाँ पे आपको ना पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, गोबर मिलेगा और ये गोबर भी यहीं का होता है। मतलब पूरी तरह से आप बोल सकते हो जो घर से बनी हुई चीज़ें हैं ना, जो नेचर से मिली है उससे ये पूरा घर बना हुआ है। अभी अगर आप सोचोगे कि ये पत्थर तो कहाँ से आ गए, तो ये जो पहाड़ है चारों तरफ उन्हीं से जो पत्थर करते हैं उन्हीं पत्थर को यहाँ पे जमा दिया है। इसी वजह से ये बिल्कुल शेप में नहीं है, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, क्योंकि जो पत्थर जिस शेप का होता है उसको उस तरह से फिक्स कर दिया जाता है और उससे ये पक्का आंगन बना दिया है। और घरों में ही यहाँ पे ये जैसे बेर का पेड़ है, यहीं इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे गेहूं वगैरह की खेती की हुई है। तो घर में ही ऑर्गेनिक फूड जिसे हम बोलते हैं और बहुत महंगा शहरों में बिकता है वो यहीं पे ये लोग उगाते हैं और इसी को खाते हैं। बहुत ही सादा सिंपल जीवन है और उसी में देखो मस्त खुश रहते हैं। यहाँ पे ये है पूरा मिट्टी का, इसको जो है इन्हें कहीं बोला माचो, माचो ये इसको माचा बोला जाता है और इसी पे ये लोग सोते हैं। ये अभी अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आप बोल सकते हो लिपाई अभी की गई है ये, इसलिए बिल्कुल फ्रेश लग रही है। और जब ये थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इस तरह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जब क्रैक आते हैं तो कुछ दिनों बाद में इसकी लीपा वापस करनी पड़ती है। गेट देखोगे तो बिल्कुल पुराने जो लकड़ी के छोटे छोटे गेट होते हैं वैसे इनके गेट है। और ऊपर जो छतें हैं वो भी किस तरह का, कोई एल्यूमिनियम नहीं लगा है, लकड़ी लगी है उसके ऊपर केलुए की छत डाली गई है। और यहाँ पे जो दिवाली पूजा होती है उसमें ये इस तरह से हाथ और ये जो स्वास्तिक है वो बनाया जाता है। अंदर घर में ही इन्होंने देखिए मोर पंख रखा हुआ है और आंगन भी
पूरा कच्चा है, एक ही रूम है जिसमें पूरी फैमिली रहती है, तो इसीलिए फैमिली वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती है, और इन नज़ारों के साथ। वाह भाई वाह। अब ये लीपने का पूरा वो तैयारी कर रहे हैं, हंडे से पानी डाल रहे हैं, इसको देखिए हाथ से ही पूरा मिक्स कर रहे हैं। पूरा काम देखो घूंघट में करते हैं, मतलब कहाँ हम गर्मी गर्मी और ये सब चीज़ें करते हैं, तेज़ धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हर मौसम में इसी तरह से काम, अपने कल्चर को पूरी तरह से फॉलो करते हुए। छोटे थे तो बुक्स में देखते थे कच्चा हाउस और पक्का हाउस, तो जो वो कच्चा हाउस होता था वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था कि कभी लाइफ में रियल में देखने मिलेगा। दो अभी सिटीज़ में तो ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिलती, लेकिन गाँव में आज भी अभी मेरे पीछे आपको जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल वो बुक्स वाले जो फैसिनेटिंग कच्चा हाउस होता था ना, वो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और बिल्कुल ओरिजिनल मिट्टी से बना हुआ। कहा जाता है कि जो मेवाड़ की भूमि है वहाँ पे शूरवीरों ने अपने जान दी है, मुगलों से लड़ाइयाँ की है, इस वजह से इस मिट्टी का जो रंग है वो केसरिया है, क्योंकि लहू जो खून है उसकी वजह से यहाँ का रंग ऐसा हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो आप अभी देखोगे अगर मेरे पीछे तो मिट्टी जो लगी हुई है वो ऑरेंज कलर की, उसका रीज़न यही है। बाकी दूर दूर तक आपको सिर्फ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही शांत और सुकून वाले बच्चे, और बिल्कुल मतलब आप बोल सकते हो सादा जीवन जीने वाले लोग मिलेंगे। फिलहाल उन घरों में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे मुझे वो आंटी जी भी लीपा पोती करती हुई मतलब दिखाई दे रही है, बना रही है कुछ, मतलब पूरा जो ये एरिया है उदयपुर के आसपास का, यहाँ मुझे हर घर में देखने को मिल रहा है कि हर कोई दिवाली की बात कर रहा है, क्योंकि दिवाली तक ये लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, और उस टाइम कमाने का टाइम होता है, अब जब फ्री हो जाते हैं दिवाली के बाद में तब ये अपने घर पर काम करते हैं। सिलबट्टा, सिलबट्टे पर बांटते हैं, मिर्ची सूख रही है यहाँ पर मस्त। मूंग न पाड़ो, हाँ मूंग है ये, खेत में निकले आवा ने साफ कर रही हो। हाँ, फिर दाल बनाओ। अना दाल बनाओ। खेती करो थे और काई काई करो? खेती करो आने वा गावे सारा आने वा घास काटा ने बस ये काम, दिन भर काम ही चलते रहे, दिन भर काम चलता रहे, घर ने लीपो। हाँ घर लीपो ये बस ढोंडा ही है लीपे साफ। पानी कठो ले रहा हो? पानी को काम पानी ले पीबा को पानी खटो आवे बड़ा कूड़ो है बटे बैठो ले रहो इतनी दूर हूं। ओ और नाबा दोबा को, नाबा दोबा को ये हैंडपंप, हैंडपंप अच्छा हो, हैंडपंप ले हूं तो हैंडपंप पीबा को अच्छो बनावे, पीबा रो ने मीठो बना तो है, मीठो है, मीठो है तो फिर पियो कोई को नहीं पियो भावा को नहीं भावी कुआ में मीठो होई पानी। हां बटो ना पीवा रो पानी अठे रे वो था कोई करे यो मा यो अना में। कितना बेटा है था के? मारे ते दो बेटा, एक है ते दे त्रे गयो ने एक त्रे। अच्छा दो क्या अंडे तो की बीमारी हूं? बीमारी भी हां। अठे हॉस्पिटल कोनी के आसपास? कई क्यों हॉस्पिटल अस्पताल कोनी? हां दे हॉस्पिटल खूब इलाज कराई नहीं बस की हां सासरी बीमार छे सास की। मस्त है तो फिर मस्त रहो, मस्त रहो। हां ते उदयपुर पीछे होणो नहीं होणो लेकिन मस्त रहणो इंसान ने। गट्टी पीसन खायो? गट्टी पीसोगे ते? हां अच्छा अबार पीसोगे गट्टी? हां पीसा बारी पीसन खाय है। हां पीसो जाना, पीसो देखा मैं भी अरे पीसन खा। सफाई कर रही होगी यार? हां सफाई कर रही हूं, दाल बनावा ने। आप खाते इसके खा? हाँ मूंग की दाल खाते ना, पूरे राजस्थान में मूंग ही चलता है। सफाई करे रही हो आदाना, बिल्कुल साफ करे न करे न करे न करे न करे न पसे सकी में पिसाड़े डब्बा में भर दिया ने पसे ऐसे तेल ना के मसाला ना के छो करे न खा। रोटी की बनाओ? बाजरा की के मक्की के गेहूं के? मक्की की। मक्की की? हाँ, मक्की होवे? अबे मक्की से गांव की मक्की। और दूध कटो हुए? दूध कटो ले रहो? दूध? हाँ गाय भैंस है? गाय भैंस है। अब आज चरबा ने गेड़ी है? सर रे ये अपने से गाय भैंस अपने से वे बेटी। अच्छा अपने से गाय भैंस है दूध देती? बढ़िया है, घर में दूध घी सब हो जावे बस। दूध खाबा जितो होवे के बेचो भी? खावा जोगो बेचा त्यावने मा सुबह शाम को रोटी के इम करे ने खा दिन मुसी। देखो ना
आ घट्टी है, ये घट्टी है, इमें कहीं डालो ऊपर, ये हाथ तो है, हाथ हाथ, अच्छा हाथ पीसो, जो हाथ तो पीसा की, अच्छा पत्थर की है ना, भाटा की, भाटा कटो ले रहा हो ये नीचे का, ये ये तो ये पड़िया नहीं, ये तो अटारा से ये थे, अच्छा खान का है, बढ़िया, ये गट्टी ते घट्टी कटो ले रहा हो, गट्टी ते अपने ये ने दाल भी पीसो, आटो भी पीसो। वहाँ पे जो पूरा जनजीवन है वो बिल्कुल रॉ है, हाथों से आज भी आटा पीसा जाता है, हाथों से आज भी दाल पीसी जाती है, जो उगाया जाता है वही खाया जाता है, अपने ही घर में दूध घी सब कुछ घर का ही है, मतलब बहुत ही शानदार आप बोल सकते हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक जो लाइफ होती है, बिल्कुल गाँव की पुरानी ऑथेंटिक जो लाइफ है वो ये लोग आज भी जी रहे हैं। बाथरूम है ही नहीं घर में, अच्छा अच्छा खुली जगह है, वहीं पे नहाना धोना, अच्छा पानी है के अंदर, अच्छा गाया का वास्ते अंदर ही पानी है, तो भाई इन्होंने जानवर, हाँ तो यहाँ पे जो गाय और जो भी पशु बांधे जाते हैं उनके लिए पानी की सुविधा अंदर ही दे दी जाती है ताकि उनको बाहर नहीं, अठे खाना अठे बनाओ चूल्हो अठे, हाँ खाना नहीं है, गाय का वाटा, गाय का, हाँ गाय का वाटा पीस, वाटा मेला वाटा, अच्छा और कोई गोबर सुखा रखे है, कई करो इको बाड़ो खानो ही पे बनाओ, कल लकड़िया पे बनाओ, बाटी बने, बाटी बाटी बनावा, बाटी बनाओ, अच्छा दाल बाटी, दाल बाटी, अच्छा दिवाली पे बनाओ, कदे भी बना लो, कदे भी बना दे, अच्छा वो कोई बाथरूम को सामान पड़े है, अठा बारे ना हो बाथरूम को नहीं बनेड़ो, बाथरूम बना लो वो तो सेटी है, अच्छा लेकिन खुला में ही सही लागे, हाँ। सुबह सुबह नहा लेता होई, हाँ। अंधेरा में सही बात है, पानी कठो ले रहो, कुआं ले रह जाओ सुबह पहली कि रात का ही लिया रखो, रात का सुबह सुबह ठंडा पानी भी नहाओ फिर, हाँ। गरम कौन करो बिना तातो कौन करो, झाड़ू आया था खुद बनाओ की खुद बनाओ, कठो बनाओ क्यों बनाओ, जंगल में जंगल में होती इनका, चारों बना लो, मेहंदी मांडेड़ी था कि खुद की है कि, हाँ। दिखाओ मेहंदी मांडनु आवे था ना, तो दिवाली का दिवाली वास्ते मांडी, हाँ। करवा चौथ करोगे थे, हाँ। करवा चौथ भी करो, था कि ड्रेस ने काई बोले, कपड़ा नहीं कपड़ा तो बोले यान जान चुन्नी ब्लाउज एंड कब्जो घाघरो और इन्हें कहीं बोले लुगड़ो, कब्जो घाघरो और लुगड़ो और आज जो गला में पहने उड़ी इन्हें कहीं बोले हार, हार, अच्छा ये सिर्फ नीचे करते हो या नहीं करते हो इसमें, हैंडवा परवा रो मतलब, अच्छा बच्चा का खेल बाना जगह चावे, सही बात, बच्चा कितनी बजे आवे स्कूल, लेट आएगा, अच्छा कौन किसी स्कूल में पढ़ा, सरकारी या प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट में पढ़ाओ, अच्छा सरकारी में अच्छी बनी पढ़ाई, सरकारी में अपना पढ़ाई है, उदयपुर जाओ, उदयपुर वार त्योहार जो सामान लेवे, सामान अठे कौन मिले, अठे मिले पर वहां कहीं बिलावड़ो में थे, आटो वाटो तो सर घर में उगाओ जो ही खाओ, हाँ, तो फिर कहीं कपड़ा लेवाने जाता हो एक और, हाँ, यस लेवे सब घर में, गाय भैंसा सब घर में ही है, सही बात है, बढ़िया बढ़िया जिंदगी है था कि बना लियो खानो मैं बनाता कि लेती नहीं तो, कहीं मक्की का भुट्टा है ना,
तो किसी किसी लैंग्वेज किसी बोलो है, तो मारवाड़ी तो कौन बोलो, किसी भाषा बोल रहे हो? मारवाड़ी है लेकिन तो अलग मारवाड़ी है। आप कौन से मतलब उससे हो, गोत्र से? जैसे जैसे भील आदिवासी है, आदिवासी कौन से आदिवासी? मीणा। अच्छा, आदिवासी मीणा। मैं तो थोड़ी देर खड़ा हुआ, मैं इतनी गर्मी लाग रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, धूप बहुत तेज है। पिछले साल में नवंबर में आई थी तब इतनी गर्मी नहीं थी, इस साल गर्मी ज्यादा है, धूप में बहुत तेजी है। तो अब वो एक्सपीरियंसेस जिसके लिए हम 500, 1000, 2000, 2500 की एंट्री फीस देते हैं जब डेजर्ट्स में जाते हैं या फिर किसी म्यूजियम में जाते हैं। मड हाउसेस के कंसेप्ट भी आजकल बहुत चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप अंदर आते हैं सबसे पहले तो खुशबू आती है मिट्टी की, सौंधी सौंधी मुझे बहुत पसंद है। मतलब बारिश के दिनों में जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती है तो वो जो खुशबू आती है ना, वो आपको इन घरों में आएगी। फिर आते हैं ये लकड़ी के एंटिक दरवाजे, यूनिक दरवाजे, जिसमें ये इस तरह की लोहे की पुराने टाइम की ये कुंडियां लगी होती है। इसको ऐसे ये यहाँ से जो कनेक्टर लगा होता है उससे बंद करते हैं, और अंदर आप अगर देखोगे ना किसी तरह की कोई भी लाइट नहीं लगी हुई है। मतलब नेचुरल रिसोर्स में ये लोग रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है, ना यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ना यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ना कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही अंदर आते हो ये जो छोटे छोटे से बने हुए हैं, मुझे जब भी मैं ये देखती हूँ नानी के घर की याद आती है। वहाँ पे ना मेरी नानी, मतलब मेरे जो नानी लोग है वो पूरे प्रॉपर मारवाड़ में थे, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे जो होते थे ना, इसमें हम स्टोर करके रखते थे, छुपा के, और आगे कुछ और रख देते थे ताकि चीज़ें मतलब पता नहीं चले। और स्पेशली जो जलजीरा के पैकेट्स होते थे वो छुपा देते थे, और फिर जब लेना होता था बाकी बच्चों से और ले लेते थे। तो कुछ इस तरह की यादें जो जुड़ी हुई है। इसको वैसे आलिया बोला जाता है, इसमें कोई भी चीज़ सामान रखने के लिए ये रखा जाता है। उसके अलावा जब आप इधर देखेंगे, आपको आई एम श्योर नॉट श्योर दिख रहा होगा, यानी पूरा अंधेरा है क्योंकि ये किचन है। किचन में आपको अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे घट्टी दिखेगी, और यही घट्टी मुझे याद है, मैं एमपी के ना एक म्यूजियम में गई थी, वहाँ पे लगभग 250 रुपये का एंट्री फीस था, और अंदर जाने के बाद में अगर आपको फोटो क्लिक करना है तो उसके लिए आपको अलग से 100 रुपीज का पास लेना होगा, और उसमें से फोन से फोटो क्लिक करना अलग होगा। उस म्यूजियम में इस तरह की घट्टी और वो जो गेहूं छानने वाले होते हैं वो सब रखे हुए थे, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। काचरे, काकड़ियाँ, मतलब जो भी यहाँ पे उगता है ना वही सब ये लोग खाते हैं, तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है, ये भी जंगल से ही मिलती है। मतलब जो भी फ्री में अवेलेबल है बस ये उसी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ क्योंकि इनके पास पैसे है नहीं, तो जो है जहाँ से मिल रहा है बस उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खुश हैं, इसीलिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। इस साइड पे पूरा चारा भरा हुआ है, मतलब जानवर जो मवेशी होते हैं उसके लिए पूरा ऊपर तक, वहां तक, यहाँ से शुरू होके ऊपर तक पूरा चारा है। इधर गोबर रखा हुआ है, जो गोबर के कंडे ही होते हैं जिससे ये बोल रहे थे मुझे अभी बाहर की, जिससे हम बाटी बनाते हैं, दाल बाटी जब इनको बनानी होती है तब ये कंडों पे बनाते हैं, क्योंकि उसकी सिकाई से जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अलग ही आता है। तो इस तरह से घर है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आके आपको फील आता है, मतलब बहुत अलग फील आता है नॉर्मल जो भी चीजें होती है उससे। उनकी जो छतें होती है वो भी लकड़ी से बनी हुई होती है, और ये केलू होते हैं जिसकी वजह से ठंडक रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी इनको नहीं लगती, और इसी वजह से ये फैन के बिना सर्वाइव कर पाते हैं। तो भाई कुछ इस प्रकार से इनका जीवन है, बहुत सादा, बहुत सरल, लेकिन बहुत अच्छा। तो ये वो जगह है जहाँ से आपको मन ही नहीं करेगा कि आप बाहर निकलो, क्योंकि पहाड़ है, सुकून है, हवाएं हैं, और मन करता है कि शाम तक यहीं बैठो, ये लोग खाना बनाए उसको भी देखो, सारी चीज़ें देखो। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, और 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, तो उसमें फ़िलहाल इतना ही, और वीडियोस भी बहुत सारे बनाने होते हैं क्योंकि रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाने होते हैं। तो अभी तक अगर चैनल पे सब्सक्राइब आपने नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि सारी वीडियोस मिलती रहेगी, और इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर की वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी, टूरिस्ट प्लेसेस भी मिलेंगे, और जो अभी मैं ट्राइबल्स कवर कर रही हूँ वो भी मिलेंगे। मतलब सब तरह से ट्रैवल से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो देखी है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, सिर्फ एंड लिख दीजिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे मतलब पूछ सकते हैं कमेंट में, आई विल टेल यू। आज के लिए इतना ही था, मी पूजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।